गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। पिक्या टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे, उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है, तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगेन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अन अकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, अब उस असाइनमेंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने अच्छे से ट्राई होगा किया होगा, अगर फिर भी आपसे बन गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो अपने यहाँ पे देखते हैं अच्छे तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अपने को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx। तो Vx की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी, तो Vx की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से Vx कहाँ पे है, यहाँ पे है Vx, और इस Vx पे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दे रखा है। ठीक है, अपने सोल्व करते हैं इसको। किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ग्राउंड पोटेंशियल, तो ग्राउंड पोटेंशियल है यहाँ जीरो है, तो यहाँ देखिए पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इसके अक्रॉस देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं तो माइनस फोर आ गया। अब आगे ये शॉर्ट है तो माइनस फोर लिख देंगे, और इसके बाद में यहाँ जीरो। देखिए आपको नोडल एनालिसिस में क्या करना है, जहां तक आप नॉर्मली लिख सकते हो पोटेंशियल, वहां तक पोटेंशियल आपको डायरेक्ट लिखने हैं। उसके बाद में जहां पे अननोन है वहां पे आपको नोडल लगाना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट ही लिख देंगे कि यहाँ वी वन यहाँ वी टू, कुछ ऐसे बहुत सारे वेरिएबल बना देंगे, उसके बाद में आपकी क्या होगी आंसर आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो जो चीजें अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको पहले डायरेक्ट लिखेंगे। किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए जैसे माइनस फोर यहाँ है तो प्लस टेन यहाँ है, तो इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक तो यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस फोर से प्लस टेन, तो यहाँ सिक्स वोल्टेज का हो गया ना, यहाँ टेन का राइज होगा तो सिक्स वोल्टेज। अब यहां से लिखते हैं पोटेंशियल, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ क्या होगा, प्लस वी एक्स। ठीक है, अब ये टू वी एक्स जा रहा है और तो कोई लिख नहीं सकते अपनी तरफ से, तो लिख नहीं सकते, तो अब अननोन अपने पास Vx है, तो Vx पे ही नोडल लगा देते हैं, क्योंकि Vx अननोन है और Vx अपने को पता भी नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, तो नोडल लगा के पता कर लेते हैं। एक एक करके ब्रांच की बात करेंगे। नोडल में क्या करता है कि सबसे पहले इस पोटेंशियल को अपने क्या माना, हायर पोटेंशियल मानेंगे, और सब ब्रांच में इसमें से करंट बाहर निकलती हुई मानेंगे। ठीक है, इक्वल टू जीरो करना है, तो सब ब्रांच में से बाहर इसको हायर पोटेंशियल मानता हूं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूं मैं Vx और माइनस माइनस फोर, देखिए आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है साइन का। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस है, प्लस। अब सेकंड वाले ब्रांच की बात कर लेता हूं, सेकंड वाले ब्रांच में से करंट कितना जा रहा है, 2 Vx करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 Vx करंट। देखिए अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो देखिए अपने अकॉर्डिंग ही जा रहा है ये 2 Vx करंट, फिर तो अपने को माइनस लाइन साइन लगाने की जरूरत नहीं है, या प्लस लगाएंगे। अगर ये करंट सोर्स इस तरीके से होता, ये करंट सोर्स इस तरीके से होता तो अपने 2 Vx यहाँ होता, तो अपने यहाँ माइनस 2 Vx लिखते। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्योंकि अपने अकॉर्डिंग ही जा रहा है तो माइनस लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब थर्ड वाली बात करते हैं, इसके अंदर अपने को करंट लिखना है, तो करंट लिखना है, तो यहाँ Vx है, तो यहाँ सिक्स का देखिए ड्रॉप हो गया, तो Vx माइनस सिक्स आ गया।
वी एक्स माइनस सिक्स को लिख लीजिए, वी एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब लास्ट लिख लीजिए ये वी एक्स डिवाइड बाई 1, तो वी एक्स डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या अननोन दिख रहा है आपको, वी एक्स अननोन दिख रहा है, तो वी एक्स की वैल्यू सोल्व कर लीजिए। किस तरीके से कर लेंगे, वी एक्स बाई 2 प्लस 4 बाई 2 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 वी एक्स हो गया, प्लस वी एक्स माइनस 6 हो गया, प्लस वी एक्स हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, वी एक्स वी एक्स वी एक्स कितना हो गया, ये 4 वी एक्स तो ये हो गया, और 4.5 वी एक्स हो गया, 4.5 वी एक्स मतलब 9 बाई 2 वी एक्स हो गया ना, ऐसे कीजिए आप डायरेक्ट। प्लस 6 उधर गया और माइनस 2 हो गया, कितना बच गया, 4 बच गया। अब देखिए वी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वी एक्स की वैल्यू आप देखिए 4 2 जा 8 होता है, डिवाइड बाई 9 आ गया गोल्ड। तो ये इस तरीके से अपने इजी वे से अपने वी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, आप इसको इस तरीके से सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वन आई टू आई थ्री एंड आई फोर। तो अपने को इस क्वेश्चन में आई वन आई टू आई टू आई थ्री एंड आई फोर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएगा जब भी आपको दिख जाए कि ये सेम पोटेंशियल पे है। जब मैंने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, उसमें क्या कराया था कि मैंने जब सिंपल नॉर्मल एक तीन क्वेश्चन कराए थे, उसमें जो सेम पोटेंशियल पे थे पॉइंट, और लेकिन अपने को सीरीज या पैरेलल का डिफरेंस नहीं पता चल रहा था, तो अपने एबीसी मान के गया था। उसी तरीके से अपने यहाँ भी एबीसी मान के इसको इजी वे में बढ़ा के देखते हैं कि किस तरीके से ये सीरीज में है या पैरेलल में है या क्या कॉम्बिनेशन है, ताकि अपने को इजी वे में दिखे। क्योंकि इस तरीके में क्या है, इस तरह का सर्किट है ना, तो इसको अपने को सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर ये इसको सही तरीके से लिख दें तो बड़ा इजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने इसको लिख देते हैं ए बी, अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं, सी डी इसको लिख देते हैं, ई एफ ठीक है। उसके बाद में आप मानिए कि ए और बी है जो सेम पोटेंशियल पे है, बी और एफ ही सेम पोटेंशियल पे है, इसी तरीके से ई और सी भी सेम पोटेंशियल पे है, और सी और डी भी सेम पोटेंशियल पे है। लेकिन यहां मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने अलग अलग पॉइंट लिख दिए हैं। तो सपोज एक्चुअल में अपने पास पॉइंट कौन कौन से हैं, यहां लिख देता हूं मैं, पहले ए और ई, ए और बी, ई के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस लगा दीजिए, रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, 25 ओम। उसके बाद में आपको ये माइनस प्लस का ध्यान रखना है, प्लस ए वाली साइड है, तो प्लस ए वाली साइड लगा दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में देखिए बी पॉइंट कहाँ, किसके सेम पोटेंशियल पे, ए के सेम पोटेंशियल पे, तो ए के सेम पोटेंशियल पे है। यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, पॉइंट का नाम ई, सॉरी ए के सेम पोटेंशियल पे यहाँ है बी पॉइंट, और ई ई तो सेम ही पॉइंट है, तो बी और ई के बीच में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है, डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है, लगा दिया डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब हमने क्या करेंगे, अपने इसकी एरो को फाइंड आउट करेंगे किस डायरेक्शन है, बी की ओर है, बी की ओर है तो इस डायरेक्शन में है, समझ में आ रही है आपको, एरो इस डायरेक्शन में है। अब इसकी वैल्यू है 0.2 V1, V1 ये रहा V1। उसके बाद में बी और सी, बी और सी, बी किसके सेम पोटेंशियल में, बी तो अपने को पहले से पता है, और सी, सी किसके सेम पोटेंशियल में, ई के सेम पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे सी पॉइंट है एक। अब क्या है कि बी और सी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं बनती, तो अपने फटाफट बना देंगे इसको। उसके बाद में सी और एफ के बीच में, सी किसके सेम पोटेंशियल पे, ई के सेम पोटेंशियल पे, सी तो पहले से बना हुआ है, एफ अपने को बनाना है, एफ जो है ए के सेम पोटेंशियल पे, देख एफ बी और ए सेम ही पोटेंशियल पे है, तो एफ यहाँ पे है ठीक है। अब अपने पे यहाँ पे क्या है, एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी आपको, डायरेक्शन है सी की ओर, डायरेक्शन है सी की ओर, देखिए डायरेक्शन 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में लास्ट में एफ और डी के बीच में क्या है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, एफ है जो ए की तरह है, एफ तो बना ही रखा है, लास्ट में डी और बनाना है, लेकिन बीच में 100 ओम का रेजिस्टेंस भी लगाना है, यहाँ पे डी पॉइंट है और 100 ओम का रेजिस्टेंस है, डी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है ठीक है। अब अपने को
क्या करना है, जो I1, I2, I3, I4 की वैल्यू जो अपने फाइंड आउट करनी है वो पहले पता कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। A और B के बीच में I1 है, A और B के बीच में I1 है जिसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स B है, ठीक है। अब B और F के बीच में I2 है, B और F के बीच में I2 है जिसकी डायरेक्शन है टुवार्ड्स F2, ठीक है। उसके बाद में इसको I2 सही लिखता हूँ, I2। उसके बाद में I3 गेरा, E और C के बीच में है, E और C कहाँ गया, E पॉइंट गेरा और C पॉइंट यही है, और E और C के बीच में अगर है अपने पास क्या I3 है और उसकी डायरेक्शन 10 ओम के रेजिस्टेंस के पास है, इसकी डायरेक्शन है टुवार्ड C, I3 यहाँ लिख देते हैं इसको I3, ठीक है। अब C और D के बीच में है अपने पास I4 जिसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स D है I4। ये अपने पास I1, I2, I3, I4 की वैल्यू अपने को पता लगी कहाँ कहाँ है। अब अपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे नोडल लगा लेते हैं, नोडल से इजी वे में हो जाएगा। तो नोडल लगाने के लिए कोई भी नोड मान लो, नोड वन पे लगाता हूं मैं, नोड वन ये मान लेता हूँ, नोड टू ये मान लेता हूँ। देखिए सेमी पोटेंशियल पे तो एक ही नोड है, सेमी पोटेंशियल पे तो एक ही नोड है, तो सेमी पोटेंशियल पे तो इसको मैं हायर पोटेंशियल मानूंगा, कुछ भी हायर पोटेंशियल, इसको क्या मान लेते हैं V1 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ V1 पोटेंशियल पहले से दे रखा है, तो ज्यादा वेरिएबल क्यों बढ़ाएं, तो V1 ले लेते हैं, ठीक है। अब V1 को इसको सॉल्व कर लेते हैं, V1 -0/25। देखिए पहली ब्रांच के लिए लिख दिया मैंने, सेकंड ब्रांच के लिए लिखता हूँ, सेकंड ब्रांच के लिए देखिए करंट हमेशा ही आउटगोइंग होनी चाहिए, तो आउटगोइंग तो नहीं बन रही, इनकमिंग आ रही है, तो इनकमिंग आ रही है, तो माइनस में 0.2V1। अब उसके बाद में और एक और सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का V1/10 ओम, प्लस का अच्छा इसमें आउटगोइंग करंट जा रही है, इनकमिंग आउटगोइंग जा रही है, तो 2 एम्पियर करंट आ गया, प्लस का अब इसमें से आउटगोइंग जा रही है, तो इसमें से आउटगोइंग कितनी जाएगी, जो V1 है V1/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 100 LCM ले लीजिए, 100 LCM ले जाके इधर 0 ले जाएंगे, इसका आ जाएगा 4V1 प्लस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220V1 प्लस 100 से करेंगे तो 10V1 प्लस 200 प्लस V1 इक्वल टू 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब देखिए 20, 30, 34 यहाँ माइनस में है ना, सॉरी यहाँ माइनस है, तो अपने पास कितना आ गया 14 और 15 -20 माइनस का 5V1 इक्वल टू, अब इधर जाके ये माइनस का 100 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 वोल्ट, 40 वोल्ट V1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर V1 की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट तो इसका मतलब इसमें से करंट जो जाने वाली है वो कितनी आ जाएगी, जो इसमें से पहले करंट निकाल लेते हैं, इसमें से करंट कितनी जाएगी, इसमें से करंट जाएगी 40/25, और इसमें से करंट कितनी जाएगी, V1 की वैल्यू अगर ये है 40 तो मल्टीप्लाई बाई 40 कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, तो ये करंट 8 एम्पियर आ गई। उसके बाद में इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल है, तो 40/10 4 एम्पियर, ठीक है, ये 2 एम्पियर पहले से जा रही है, और ये यहाँ पे कितनी आ जाएगी 40/100 कितनी आ जाएगी 0.4 एम्पियर। अब मैं यहां से देख लूं ये वाली करंट कितनी है, देखिए ये वाली करंट अगर 2 है, ये 0.4 है, तो कितनी होगी ये 2.4 एम्पियर। अब 2.4 एम्पियर है तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 4 और 2 6.4 एम्पियर, तो सबसे पहले मेरे पास निकल के आई जो है I2 की वैल्यू 6.4 एम्पियर। उसके बाद में सेकंड जो I1 की वैल्यू अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है, I1 की वैल्यू किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 8 एम्पियर करंट इधर से आई थी, 6.4 एम्पियर करंट इधर चलेगी, तो इसका मतलब कुछ करंट इधर चलेगी होगी, कितनी चलेगी, I1 की जो वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो 8 एम्पियर जो इधर से आ रही थी 6.4 इधर चलेगी, 6.4 ही है ना, हाँ, तो कितनी आ गई 1.6 एम्पियर करंट I1 की वैल्यू,
ठीक है, आई वन की नहीं, सॉरी आई की वैल्यू मान लेते इसको, लेकिन ये करंट जो इस डायरेक्शन में जा रही है 1.6 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन अपने को अपोजिट पूछी है तो आई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1.6 एम्पियर। ठीक है, डायरेक्शन का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 1.6 एम्पियर यहां से करंट ऐसे होकर ऐसे आ जाएगी 1.6 एम्पियर। ठीक है, 8 एम्पियर इधर ही जा रही है, इसका मतलब अगर 8 एम्पियर इधर जा रही है तो इसका मतलब इनकमिंग करंट कुछ इधर से आ रही होगी, तो आई थ्री की वैल्यू है जो वो भी नेगेटिव में आएगी। कितनी आएगी? 8 माइनस 1.6 कितनी? -6.4 एम्पियर, ये आ जाएगी -6.4 एम्पियर। देखिए अब इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब 6.4 एम्पियर और 7 और 8 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब i3 की वैल्यू आ गई। अब अपने को i4 की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी रह गया, तो i4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहां माइनस के 6.4 एम्पियर, यहां से 4 एम्पियर करंट आई। देखिए माइनस के 6.4 और 4 एम्पियर, तो यहां से कितनी जाएगी? माइनस के 2.4 एम्पियर करंट। ठीक है, इधर 2 एम्पियर और आ गई, तो इसका मतलब कितनी बच गई यहां पे? माइनस के 0.4 एम्पियर। तो i4 की वैल्यू भी आ गई अपने पास कितनी? माइनस के 0.4 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी और मेरे को भी अच्छा लगा कि अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी।